अस्सलामुअलैकुम जनाब, आपका दोस्त भाई मामा शाहिद इकबाल। ये देखिए जनाब, गवादर का नीला समंदर, मरीन ड्राइव जहाँ पर किश्तियों की काम होता है। आने वाले दिनों में जनाब गवादर जो है वो अपने साहिल की वजह से, अपने पोर्ट की वजह से, अपनी खूबसूरती की वजह से ये पूरा दुनिया के लोगों को अट्रैक्ट करेगा। जनाब गवादर का नीला पानी जो है जनाब, गहरा नीला पानी, यकीन मानिए कि अगर आप अगर इसको जियो मैप में देखें तो गवादर जो है वो इंतहाई अहमियत के हामिल लोकेशन पे है। और ये चिकन नेक है मध्य तरह का, एक तरफ डिमी दर, एक तरफ पिजी दर है, एक तरफ ईस्ट बे कहते हैं, एक तरफ वेस्ट बे कहते हैं। ये देखिए आप, ये आप समझ लें कि मरीन ड्राइव है जनाब, और ये आप समझ लें कि और कराची से आप अगर जनाब गवाल के लिए रवाना होते हैं बलूचिस्तान के लिए, तो आपको नेशनल हेंगोर पार्क मिलता है, और मिट्टी के ऐसे ऐसे पहाड़ और बहुत सारे दरगाह मिलते हैं। और सारे रास्ते आपको जनाब आप पहाड़ की को देख के आप सहरंगेज हो जाएंगे कि ये वो पहाड़ है जहाँ पर आप समझ लें कि दरख्त नहीं है, मगर फिर भी ये टीले आपको जब और जहाँ खास कर जो जीवनी का जो सूरज गुरु बैजनाथ, इसलिए आपको मदहोश कर देगा। मलका एलिजाबेथ भी जनाब यहाँ आई थी 3 दिन के लिए, तो वो फिर काफ़ी दिन रह के गई हैं। और गवादर की शोहरत ही जनाब मलका एलिजाबेथ से हुआ था, जब जंग वर्ल्ड वार हो रहा था, तो मलका एलिजाबेथ ने फौजियों को, खास बात ये जनाब कि गवादर की अपनी बहुत अहमियत है। जियो जो उसका पॉलिटिक्स है, या जियो जो है, वो पूरे गवादर जो पूरा चाइना से मिल जाता है जनाब, और चाइना गवादर में बहुत डेवलपमेंट कर रहा है जनाब। गवादर में नया एयरपोर्ट बनने वाला है, एमएस रोड बनने वाला है, रोडों का जाल बिछने वाला है जनाब, जाल बिछने वाला है पूरे गवादर से लेके पूरे पाकिस्तान के पीछे, पंजाब, दिल्ली, पाकिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया सब मिलने वाले हैं जनाब। और गवादर में जनाब देखिए, ये जो है ना ग्रीन पाम का बहुत ही खूबसूरत ग्रीन पाम ने प्राइवेट बनाया है जनाब, बहुत खूबसूरत जनाब। और ये जनाब गोल्फ सिटी गवादर है जनाब, ये भी अपनी खूबसूरती आप है जनाब। ये डेरी में है और क्वीन कोस्टल हाईवे में है गोल्फ सिटी जनाब। गवादर के जो साहिल समंदर गवादर का जनाब, इसका मवाजना किसी चीज़ से नहीं है जनाब, किसी चीज़ से नहीं जनाब। और निशान पाकिस्तान जो मतलब कोई बातिल ऊपर है जनाब, आप देखिए कितना खूबसूरत है यहाँ से, जिनको जब देखिए ये पाकिस्तान का झंडा है जनाब, जो फख्र से चेहरा के आने दिनों में गवादर खुद आगे जाएगा। और जनाब ये मेन गैप है जनाब, ये ब्रेक वाटर थ्रो बनाया ताकि फिशरमैन लोग जो हैं वो मछलियों की को पकड़ सकें, मछलियों का कारोबार कर सकें। और काफ़ी वहाँ पर जनाब लोगों ने वहाँ पर मछलियों का इंडस्ट्री लगाया हुआ है जनाब, जिसे वो उसे पैक करते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं, पैक करते हैं, फिर उसे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं जनाब। गवादर जनाब आप समझें कि आने वाले दिनों में गवादर की मिट्टी जो है जनाब, ये आपको जो ब्लू मिट्टी आपको सोना बना के देगी जनाब गवादर की जमीन को। जनाब दुआ करें कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द गवादर को तरक्की दे जनाब। और जनाब मैं अब इख्तामी तरफ जा रहा हूँ जनाब, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद इकबाल है, गवादर मीडिया एसोसिएट, 9345257 87 जनाब। अब मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और उसे कमेंट्स में जब नई वीडियो बताएं जनाब। मैं जनाब आपसे इजाज़त के एकदम करीब हूँ जनाब, मैं इजाज़त चाहता हूँ जनाब
इस दुआ के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जहाँ भी रहें खुश रहें, जिसे ख्याल रखिएगा। अभी देखिए गवादर है जनाब, मैं बोलूँ पहुँचा एक बार जब अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।